Hello students, welcome to Vanshita classes. Today we will discuss about integer. देखिए आज हम पढ़ेंगे integer. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि integers क्या होते हैं. Integers एक ऐसे नंबर हैं जो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट होते हैं. इनके अंदर क्या होता है, इंक्लूड विथ जीरो. देखिए एक नंबर लाइन पर भी शो करते हैं हम इन्हें. ऑल नंबर्स टू द राइट ऑफ जीरो. सपोज हमने यहाँ पर एक नंबर लाइन ली. नंबर लाइन में ये हमारे पास क्या होता है, जीरो. राइट ऑफ जीरो आर पॉजिटिव. राइट जीरो का राइट क्या होगा, वन टू थ्री फोर अप टू इनफाइनाइट. इनफाइनाइट मतलब जिसका एंड ना हो, काउंटिंग का कोई एंड नहीं है, काउंटिंग चलती रहती है. जो हमारे जीरो के राइट साइड होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर. एंड ऑल नंबर टू द लेफ्ट ऑफ जीरो. जीरो का लेफ्ट, लेफ्ट ही हुआ. लेफ्ट में क्या होंगे, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री अप टू माइनस इनफाइनाइट. इन नंबर्स को क्या बोला जाएगा, नेगेटिव. ये क्या होंगे, नेगेटिव इंटीजर्स. और ये क्या होते हैं हमारे, पॉजिटिव इंटीजर्स. एक बात का ध्यान रखना है आपको कि इंटीजर्स के अंदर क्या होती है, जीरो इंक्लूड होती है. क्या होती है, जीरो इंक्लूड, मतलब जीरो आती है इंटीजर्स में. बट जीरो ना तो पॉजिटिव होती और ना ही नेगेटिव इंटीजर्स में होती. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपोजिट. इंटीजर्स के अंदर हमारे पास अपोजिट्स आते हैं. अपोजिट्स क्या होते हैं, गेन. जैसे आपको गेन दे दिया तो आपको पता होना चाहिए गेन मतलब लाभ होता है, तो उसका अपोजिट क्या हुआ, लॉस. लॉस मतलब हानि. वेस्ट आ गया तो वेस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, ईस्ट. नेक्स्ट क्या है, डिपॉजिट. डिपॉजिट मतलब कुछ जमा किया, और हम क्या करेंगे, जमा का अपोजिट क्या होगा, विड्रॉ. इंडिकेट साइन, सेकंड क्वेश्चन है इंडिकेट साइन. कुछ हम साइन भी इंडिकेट करते हैं इंटीजर्स को. मोस्ट ऑफ ऑल हम साइंस के लिए ही यूज करते हैं. देखिए गेन, हमारे पास कुछ गेन हो रहा है मतलब प्रॉफिट हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस होगा. बिलो, बिलो मतलब नीचे, जो नीचे जा रही है मतलब वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव. नेक्स्ट है डिक्रीज. डिक्रीज मतलब कम होना, कम होगा तो मतलब नेगेटिव. सपोज हमारे पास यहाँ पर इंक्रीज आ जाता तो इंक्रीज मतलब अप हो रहा है, तो क्या होगा, आएगा साइन हमारे पास प्लस. अबोव, अबोव मतलब ऊपर, देन प्लस. सपोज डिपॉजिट आ जाता, कुछ हम जमा कर रहे हैं, तो कौन सा साइन होता, प्लस. और विड्रॉ के लिए कौन सा साइन लगेगा, माइनस. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे नंबर लाइन. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट इंटीजर बिटवीन. हमें क्या करने, इंटीजर्स राइट करने, बिटवीन मतलब बीच में. हमें टू इंटीजर्स दिए हुए हैं, उनके बीच में बताने हैं बिटवीन नंबर कौन से होंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज माइनस सिक्स एंड जीरो. मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ की है, हमें बताना माइनस सिक्स से जीरो के बीच में कितने इंटीजर आ रहे हैं. देखिए माइनस सिक्स, ये माइनस सिक्स है हमारे पास, और ये क्या है हमारा, जीरो. बिटवीन नंबर कौन से हुए, माइनस फाइव माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू एंड माइनस वन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीरो एंड फाइव. जीरो से फाइव के बिटवीन कौन से नंबर होंगे, वन टू थ्री एंड फोर. कभी कभी हमसे ऐसे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, टू इंटीजर्स देगा हमें और वो हमसे पूछेगा विच वन इज राइट नंबर ऑन इंटीजर्स. तो हमें बताना है कि इंटीजर्स की लाइन पर राइट में कौन सा नंबर है. सपोज यही एग्जांपल ले लेते हैं हम, जीरो एंड फाइव. देखिए जीरो, जीरो मेरे लेफ्ट हैंड पर है और फाइव का है राइट हैंड पर. तो हम क्या बताएंगे, फाइव इज राइट साइड, फाइव इज राइट साइड ऑन द नंबर लाइन. अगर आपको नॉर्मल एक नंबर लाइन को ड्रॉ करने के लिए बोल दे और आपको शो करना हो, तो भी आप क्या करेंगे, सिमिलरली एक नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे. सपोज उसने बोला फाइव रिप्रेजेंट करना है, पॉजिटिव फाइव, तो पॉजिटिव जीरो से इधर होंगे, तो आप सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पर फाइव को इंडिकेट कर देंगे, यहाँ पर मतलब शो कर देंगे पॉजिटिव फाइव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर. हमें इंटीजर्स को कंपेयर करना है. देखिए हमारे पास काउंटिंग होती है, सपोज फाइव और सेवन, आप इन दोनों को कंपेयर करें, आपसे पूछा जाए कि फाइव और सेवन में कौन सा नंबर ग्रेटर है.
आप इजीली बता देंगे कि 5 और 7 में 7 नंबर इज ग्रेटर। बट अगर मैं पूछूं -5 एंड -7, तो इनमें से कौन सा नंबर ग्रेटर हुआ? तो देखिए, जो हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, मतलब नेगेटिव नंबर्स होंगे, वो जैसे जैसे बढ़ते हैं वो नंबर क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, और जैसे जैसे छोटे होंगे तो वो क्या होंगे, बड़े होंगे। सपोज आपसे पूछा जाए कि हमारे पास लार्जेस्ट इंटीजर नेगेटिव इंटीजर कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, -इनफाइनाइट क्या हुआ, लार्जेस्ट 9, स्मॉलेस्ट 2। अभी मैंने आपको बताया जैसे जैसे नंबर बढ़ते हैं वो क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, नेगेटिव नंबर्स होंगे। अब -5 और -7 को कंपेयर करेंगे तो कौन सा ग्रेटर हुआ, -5। ये कुछ एग्जांपल्स नहीं है, मैंने देखिए सॉल्व करके बता रही हूँ मैं, -200 एंड -190, तो छोटा नंबर कौन सा हुआ, -190, इसमें द ग्रेटर नंबर। -50 एंड -20, तो कौन सा हुआ हमारे पास, -20 इज ग्रेटर नंबर। 0 एंड 6 हमारे बाद में आ रहा है, बड़ा नंबर हुआ, और 0 क्या हुआ, छोटा, देन 6 इज ग्रेटर नंबर। 4 एंड -4, 4 और 4 देखने तो आप सोचोगे कि सेम है, बट नो, यहाँ पर क्या है हमारे पास, माइनस का साइन, तो कौन सा हुआ ग्रेटर नंबर, 4। हमेशा हमारे पॉजिटिव नंबर ग्रेटर होंगे और नेगेटिव नंबर क्या होंगे, स्मॉलर होंगे। तो इस टाइप के मैं कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए दूंगी, आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और उसे समझेंगे, और क्वेश्चंस जो दूंगी आप उन्हें सॉल्व करेंगे, और आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।